नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। नगर निगम में लोकायुक्त का छापा, 5,000 रुपए लेते सचिन सिंह धराए। विवाह राशि निकालने को लेकर मांगे थे पैसे। नगर निगम में विवाह के नाम पर पैसा निकालने को लेकर एक व्यक्ति से प्रभारी सचिन सिंह ने 5,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी जानकारी लोकायुक्त को दी गई। लोकायुक्त ने बुधवार की शाम 5,000 की रिश्वत लेते सचिन सिंह को रगे हाथ पकड़ा। लोकायुक्त इस बात की शिकायत कई दिनों से मिल रही थी। नगर निगम में शासन की योजना जो शादियों में दिए जाने वाले पैसे को लेकर है, इसको दिलाने के लिए प्रभारी शिल्पकर्मियों से लगातार पैसे की डिमांड करता है। इसी के चलते शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये लेते सचिन को पकड़ा। खबर लिखे जाने तक लोकायुक्त को पैसे प्राप्त नहीं हुए थे। बाद में ये पैसे नगर निगम के बाहर पान की दुकान संचालित करने वाले व्यक्ति से प्राप्त हुए। सचिन पूरे पैसे इसी पान वाले के माध्यम से ही लिया करता था, ऐसा कहना था। खबर लिखे जाने तक नगर निगम परिसर में कार्रवाई चल रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बाबू अपने आप को प्रभारी मंत्री के परिवार का सदस्य भी बताता था। प्रभारी मंत्री के पास इसी विभाग का प्रभार भी है, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। तो मैंने इनके पास जो मजदूरी कार्ड में 51,000 रुपये आय योजना से सरकार की तरफ से मिलता है, तो उसका फार्म भरा हुआ था। फिर मैंने इनके पास जमा किया हुआ फार्म, इन्होंने मुझसे 10,000 रुपये घूस मांगी। 10,000 रुपये घूस मांगी, बोला कि 5,000 रुपये पहले दे दो और 5,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में आने के बाद। तो मैंने बोला सर गरीब आदमी हूँ, अभी इतना पैसा नहीं इकट्ठा हो पाएगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तो इन्होंने बोला सोमवार के लिए, तो मैंने इन्होंने फ़ोन लगाया। तो मैंने बोला सर मैं मुझसे पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा कुछ कम करिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैंने वैसे भी कम करके बताया। तो मैंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत करी। शिकायत करने के बाद उन्होंने, आज मैं आया सर के साथ लोकायुक्त कार्यालय से, सब सर को साथ लेकर आया 5,000 रुपये आज इनको देने के लिए। तो फिर इन्होंने पहले मैंने फ़ोन लगाया, तो ये बोले कि मेरे ब्रांच में आ जाओ ऑफिस में। मैं ऑफिस में आया तो ऑफिस में ये नहीं थे। मैंने फिर से फ़ोन लगाया तो ये इन्होंने बोला कि मैं बाहर हूँ। फिर मैं बाहर गया, मैं बाहर से फ़ोन लगाया तो इन्होंने बोला मेरे ब्रांच में आ जाओ। ब्रांच में आने के बाद उन्होंने मुझे बाहर की तरफ ले गए और स्कूटी में बैठा कर रस्तम की तरफ ले गए, कल्पना स्टूडियो के रोड के पास। वहाँ से गाड़ी बैक करके यहाँ पान की गोमती है, वहाँ पे एक बब्बा जी बैठते हैं। बब्बा जी हमसे बोले कि पैसा इनको दे दो। मैंने पैसा जेब से निकाल के पान की दुकान में जो बब्बा जी बैठते हैं उनको दे दिया। वहाँ से आने के बाद फिर इन्होंने हमको शिल्पी प्लाजा की तरफ ले गए। इन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। हमने बोला मेरा घर बहुत दूर है सर। तो बोले कि यहाँ से कहाँ जाओगे। मैंने बोला शिल्पी प्लाजा, मुझे काम है थोड़ी। तो इन्होंने शिल्पी प्लाजा मुझे उतार दिया और फिर वापस आ गए। और इनके जेब में पैसा बरामद नहीं हुआ सर, लॉकर में पैसा बरामद हुआ है। वार्ड क्रमांक 2 रीवा द्वारा दिनांक 29 तारीख को लोकायुक्त ने शिकायत की गई थी पुलिस अधीक्षक महोदय को, तो उसकी बहन की शादी 8/7/19 को संपन्न हुई थी। उसके लिए शासन की योजना अंतर्गत 51,000 रुपये सहायता राशि मिलती है, जिसके लिए उसने आवेदन किया था। आवेदन में इनके द्वारा पैसा देने के लिए, स्वीकृत कराकर भुगतान करने के लिए 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज टेप आयोजन कराया गया, जिसमें 5,000 रुपये नगद लेते हुए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया आरोपी सचिन सिंह द्वारा। यह राशि पान ठेला वाले अशोक रमेश कुमार तिवारी दिलाई गई थी। कुछ देर बाद फिर आरोपी उस पैसे को लेकर वापस अपने पास आ गया। उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, जिसके बाद हाँ उनको भी आरोपी बनाया जाएगा सर। वो पैसा मिल गया क्या? जो पैसा पैसा मिल गया, पैसा उनके दराज बरामद हुआ।